बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। जी हाँ, प्रसिद्ध गायक और लेखक रविंद्र जैन ने रामानंद सागर के रामायण में इस प्रसंग का जिक्र करते हुए श्री राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध की कहानी को गढ़ा था। आज हम इन पंक्तियों का इस्तेमाल गुरुवार को आने वाले नतीजों के संदर्भ में कर रहे हैं। हर सियासी दल और नेता की नींद उड़ी हुई है, जिसने भी पांच राज्यों के चुनाव में अपनी ताल ठोकी। हर सियासी दिग्गज की नजर अब चुनाव परिणाम पर, कब ईवीएम खुलेगी और उनकी किस्मत का फैसला करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, टकटकी बंधी हुई है। लेकिन उसमें तो फिलहाल अभी 12 घंटे से ज्यादा का समय है और इस चुनाव में भागीदारी करने वाले हर शख्स की धड़कनें बढ़ती हुई। 2022 के महासमर में जिन पांच राज्यों में वोटिंग हुई, उनकी मतपेटी गुरुवार सुबह 8 बजे से खुलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में एक रात का खेल बाकी है, उसके बाद हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। हरित प्रदेश के नाम से मशहूर पंजाब, गोवा, देवभूमि उत्तराखंड, पूर्वोत्तर का स्वर्ण मणिपुर और देश के दिल उत्तर प्रदेश में सुबह 8 बजे से जैसे ही नतीजे आने का श्री गणेश होगा, तस्वीर साफ होती चली जाएगी। लेकिन एक रात पहले क्या कहता है सियासी मूड, सियासी दलों और नेताओं की क्या है बॉडी लैंग्वेज, ये जानना भी जरूरी है। देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज जिन पर होगी चर्चा, मसलन 2022 की बिसात, कौन करेगा सत्ता पर राज, सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बस एक रात का है अब सवाल, एक रात बाकी, कौन सा दल मारेगा बाजी, योगी बनाम अखिलेश, कौन चखेगा सत्ता का टेस्ट, ईवीएम खुलेगी, किसकी किस्मत चमकेगी, आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगी बात। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है, उस पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस समय आलोक वत्स मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। कौशिक साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में आपने वक्त दिया। चर्चा की शुरुआत कौशिक साहब आप ही के साथ। एक रात का सवाल, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, बस अब महज कुछ ही घंटे बाकी और इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, किसके सिर सजेगा ताज, स्पष्ट हो जाएगा, कितनी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। नहीं शिल्पा, ये तो खैर बिल्कुल कातर रात है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों से ज्यादा पार्टी के नेताओं की नींद खराब हो गई है एग्जिट पोल आने के बाद। तो ये भी समझना पड़ेगा, क्या बीजेपी भी असमंजस में रहेगी, क्या एग्जिट पोल हो सकता है कि खराब निकल जाएं, गलत निकल जाएं जिस तरीके से निकलते आए हैं, क्या समाजवादी पार्टी इस पे अच्छे से नहीं सो पा रही होगी, कहीं एग्जिट पोल सही ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके का हर इलेक्शन में ऐसा होता है, और ये तो विधायक का इलेक्शन है, यदि मैं छोटे से भी बात करूंगा, यदि BDC का मेंबर और पंचायत के मेंबर का भी चुनाव होता है तो उसमें भी प्रत्याशी रात भर नहीं सोता है। दूसरी बात क्या है कि जब धड़कन कब बढ़ती है, जब 10 या 12 चक्र का गिनती हो गई होती है, लगभग क्लियर की पोजीशन में उस समय होता है कि कौन बढ़ रहा है आगे, कौन जाता जा रहा है, लेकिन जहां जहां छोटा सा अंतर आने लगता है, मुझे लगता है फिर प्रत्याशियों की धड़कन शुरू हो जाती है। तो बड़ा अंतर है तो फिर कोई समझ में ही नहीं आता कि ठीक है जो चल रहा है, लेकिन जहां लगता है ना कि 50, 100, 150, 200 का है, तब मुझे लगता है कि दोनों तरफ के प्रत्याशी इस मूड में आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है उनके समर्थक। दूसरी बात, बहुत सारे लोग चैनल्स देख रहे होते हैं तो पता चलता रहता है, लेकिन वहाँ का माहौल आप देखिए कि जब जहाँ वोट गिनती होती है वहाँ जो बाहर आकर के व्यक्ति चिल्ला के बोल जाता है अपने समर्थकों को, उसी तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे होने लगते हैं, पुलिस को भी बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन कल का जो माहौल हुआ कि जिस तरीके से EVM पकड़ी गई, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गंभीर नहीं था। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सब जानते थे कि किस तरीके से ट्रेनिंग के समय
या जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो तमाम ऐसी ईवीएम मशीन होती हैं जहाँ इकट्ठी की जाती हैं, तमाम ऐसी ईवीएम मशीन होती हैं जहाँ अचानक कहीं खराब हो गई तो रखी जाती हैं, बहुत सारी बच जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और समर्थकों से ये कहना मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे प्रदेश का माहौल बिल्कुल बदल गया था। ये कैसे हो सकता है कि ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, बड़ा समझदार, मैं तो व्यक्तिगत बड़ा समझदार उनको मानता हूँ, या तो कोई छोटा जैसे ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं या किसी छोटे राजनीतिक दल का अध्यक्ष कहता है तो हो सकता है कि हाँ कुछ बात होगी, लेकिन आप एक जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यदि आपने इस तरीके से सवाल उठा दिए तो मुझे लगता है कि आपका एक छोटा सा बयान, एक छोटा सा बयान कहीं ना कहीं दंगे, कहीं ना कहीं ऐसा माहौल खराब कर सकता है, मुझे लगता है जो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात का एहसास बिल्कुल जरूर होना चाहिए, कहता जो हम कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के वो बिल्कुल ऐसा कहें कि हमारे समर्थक और लोकतंत्र कैसे बचा रहना चाहिए, भरोसा कैसे रहना चाहिए, इसका भी मुझे लगता है गर्मा में चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में पुष्पेंद्र यादव जी क्या माना जाए, जिस चीज का जिक्र अभी यहाँ पर कौशिक जी करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो तमाम एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं, मनी मन आप लोगों ने स्वीकार कर लिया और क्या उसी की वजह से बौखलाहट, बीजेपी तो कह रही है कि भाई आप लोग आपक हो रहे हैं, अखिलेश यादव आपक हो रहे हैं। देखिए शिल्पा जी, पहले तो मेरी बारी है तो मैं चाहूंगा कोशिश जी जिस वक्त से बोला। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बताइए जो अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन हालातों को आप समझिए, किन हालातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जब जगह जगह देखिए एक हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मशीनें थी वो टेस्ट के लिए जा रही थी, ये जो भी नए नए इन्होंने हमको जो चीजें बताई, हमारा कहने का उसका एक सबका प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत उन सबको बुलाया जाता है और जो वहाँ पर बूथ एजेंट होते हैं और या फिर उन एजेंटों को ना हो तो जो प्रत्याशी उसको वहाँ बुलाया जाता है और प्रत्याशी को बिना जानकारी की ये सब मशीनें अगर अल्टा पल्टी करी जाएंगी तो सवाल तो उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे? एक बात बताइए, पुष्पेंद्र जी जब ट्रेनिंग दी जाती है, सुन लीजिए ना, बात ये कि जब जनादेश पुष्पेंद्र जी को मिला हो, अरे पुष्पेंद्र जी पार्टी को ये नजर आ रहा है कि जो जो ईवीएम है उसके द्वारा जनता का जनादेश का गला घोटा जा रहा है तो क्यों नहीं आदमी बोलेगा? बताइए आप क्या गलत कहा हमने? हमने कहा कि निष्पक्ष, हम स्टार्टिंग से कहते आए, हमने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई भी आपने देखा होगा एक अकेले लौते हुए ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कहीं भी दंगा भड़के, वरना आपने देखा होगा हर पार्टी ने सिवाय जिन्ना के और सिवाय साइकिल में बम लगाने के इन चीजों पर सबको घेर रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक भी सिर्फ सिवाय विकास को छोड़कर जनता के हित को छोड़कर कोई दूसरी बात नहीं करी। दूसरी बात ये, अब बात कर ले हम एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि पहली बार आज आए हैं, तमाम पीछे हम लोगों ने देखा है और लास्ट तीन तो हमने बिल्कुल ही देखे हैं, आपके 17 वाले और फिर आपका 21 वाला और 19 वाला, ये दो तीन तो ऐसे हैं जो और ममता जी वाला आप देख लीजिए उसमें भी कितना फर्क नजर आया। इसी प्रकार से हम फिर आपसे कह रहे हैं अखिलेश यादव जी सरकार बनेगी और ये एग्जिट पोल जितने जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलेगा, सूरज के साथ एग्जिट पोल वालों का जो घमंड है वो दूर होता जाएगा। और सुनिए, जनता जो टीवी की सरकार है वो बन चुकी है, जनता की सरकार बननी बाकी है, तो जनता ने वोट दिया है, जनता की सरकार बनेगी। आप देखिएगा कल इसी टाइम हम लोग आप साथ बैठेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कल सुबह से ही आपके साथ हम लगातार संपर्क में रहेंगे, पल पल की आपसे रिएक्शंस मिलेंगे जैसे जैसे जो कुछ भी होता रहेगा। हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता आलोक वत्स भी लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, तमाम एग्जिट पोल्स के बाद जिस तरह से बीजेपी की जीत की तरफ इशारा हो रहा है, कितने आश्वस्त आप लोग, या फिर विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि भाई एक दिन और खुश हो लीजिए, असल नतीजे कल जब सामने आ जाएंगे तो आंखें खुल जाएंगी आपकी? ऐसा है शिल्पा जी, देवीलाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जो अकाट्य सत्य है आवाज नहीं आ रही है इनकी, मैं कोड नहीं कर रहा हूं सामने। ठीक है, ठीक है, पीसीआर प्लीज मेक इट करेक्ट, बोलिए आलोक जी। एक एग्जिट पोल नहीं, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उस सब में हमारी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और यही सत्य है जिसको इनको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये भी जनता के पास गए थे, हम भी जनता के पास गए थे, हम जनता के पास गए थे काम के नाम पर, हम जनता के पास गए थे भयमुक्त माहौल पैदा करने के नाम पर, जनता ने उसको सराहा,
जनता ने उसको अपनाया और जनता ने हम पर विश्वास जताया और हम पूरी दमखम के साथ दोबारा सत्ता में काबिज होंगे और ये जो हमारा काम का सिलसिला जारी है ये और आगे जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके की बात माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं वो कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन, अरे भाई आपको डीएम ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि प्रशिक्षण के लिए लाए गए ईवीएम मशीन थे वो जा रहे थे। अरे रिस्पॉन्सिबल पद पर आप रह चुके हैं, जैसा डॉक्टर कौशिक ने कहा, आपको इस तरीके की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई सरकार के पास गाड़ियों की कमी हो गई थी क्या, जो कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम को ले जाने की नौबत आ गई, कैसे ये लोग इस बात को बचाए? देखिए उसमें कुछ मिला क्या, उसमें कोई उसमें वो कोई ईवीएम काम वाला ईवीएम था या बेकार का ईवीएम था? इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए, क्या सरकार के पास गाड़ियों की कमी रह गई थी क्या, कई गाड़ियों में ईवीएम भेजनी पड़ गई, चाहे आप सफाई के लिए चाहे चेकिंग के लिए भेज रहे थे तो क्या आपके पास सरकारी गाड़ी खत्म हो गई थी कि कूड़े की गाड़ी में आपको चोरी चोरों की तरह उसमें वो भरना पड़ा? ठीक है जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। आलोक जी आपने सवाल सुन लिया होगा, बोलिए सर। ये जो गाड़ियों की कमी बता रहे हैं किसी भी गाड़ी में ले जाया सकता है, कौशिक साहब जी कह रहे किसी भी गाड़ी में ले जाए। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये समाजवादी पार्टी, अब सुन समाजवादी पार्टी का जो आरोप बिल्कुल जायज है, क्या सरकार के पास गाड़ियां नहीं थी क्या कूड़े की गाड़ियों में आप ले गए? दूसरा प्रत्याशियों को सुन लीजिए, बस आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपको पता है कि माहौल गर्म है, जिलाधिकारी को पार्टी के सारे जिलाध्यक्षों को बुला करके ये अवगत करा देना चाहिए था कि ये मशीनें मूव करेंगी, ये ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं, प्रशिक्षण के लिए जा रही हैं, इस पे कोई कार्य, कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे माहौल में ईवीएम मशीन जाती हैं और कहीं रास्ते में दिख जाएं, पकड़ जाएं, तो जो समर्थक जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि उस दायरे में वो कूड़े की गाड़ियों में ले गए हों, लेकिन ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यहाँ सरकार घिरी दिखती है, वहाँ के अधिकारी घिरे दिखते हैं। यदि ऐसा माहौल है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास फोर्स है, आपके पास आपको खुलेआम उन ईवीएम मशीन को ले जाना चाहिए था और बता के ले जाना चाहिए था आपको कि हम प्रशिक्षण के लिए ले जा रहे हैं और इसके लिए सारी पार्टियों के जिलाध्यक्षों से एक मीटिंग करके ये बातें रखी जा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने इससे अलग हटके काम किया है तो निश्चित तौर से आपके सवाल खड़े होंगे। ये तो बिल्कुल जायज पॉइंट यहाँ पर कौशिक साहब उठाते नजर आए हैं ना, कि अगर दिल में कोई चोर था ही नहीं तो फिर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर भी तो ये काम हो सकता था, इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। मैं शिल्पा जी कौशिक जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में नहीं हो रहा चुनाव। ये अगर कमी हुई है तो इलेक्शन कमीशन के एजेंटों के द्वारा कमी हुई है। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ ईवीएम ये इलेक्शन कमीशन की निगरानी के अंदर होता है, इसमें सरकार और योगी जी और मोदी जी कहां से दोषी ठहराए जाएंगे? क्योंकि आरोप हमेशा ये लगता है कि बीजेपी हमेशा प्रेशर बनाकर रखती है इलेक्शन कमीशन पर। पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए था और सब उसको मूव करना चाहिए था, चाहे वो खराब कूड़ा किसी काम का मशीन ना रहा हो, लेकिन जानकारी सबको देनी चाहिए। चलिए ठीक है, इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दी नहीं गई ना, देखिए ना, वरना इस स्थिति को यहाँ तक आने से रोका जा सकता था। और आप ये भी तो सोचिए, जिस तरह से सपा ने रिएक्ट किया, जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, सर क्या से क्या हो सकता था, जिस बात का जिक्र और जिसकी आशंका यहाँ भी थोड़ी देर पहले कौशिक साहब भी करते हुए नजर आए थे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ रिजवी साहब भी लगातार जुड़े हुए। आसिफ साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी, जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल्स कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? प्रियंका गांधी की आंधी ना चलने की तरफ ये संकेत क्या कह रहे हैं सर? देखिए कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं, समाज सेवा करती है और समाज सेवा का एक अंग है राजनीति, इसलिए हम राजनीति करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला अपराध था, इसलिए हमने महिलाओं को
मेन धारा में लाके महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करी और उनका सम्मान वापस दिलाने की बात करी। आप देखिए 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में पोलिंग खत्म हो गई थी और 8 तारीख को हम लोगों ने वुमेन्स डे के ऊपर लखनऊ में जो है महिलाओं को हौसला बढ़ाने के लिए महिलाओं की रैली निकाली, महिलाओं का जो मार्च किया ताकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं उस हर उस व्यक्ति पे जैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लखीमपुर खीरी के अंदर पंचायत चुनाव में महिला की साड़ी फाड़ी थी और अखिलेश यादव जी जबकि उनकी पार्टी की कार्यकर्ता थी लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां गई और बयान लिखवाई और आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी। और अगर लोकतंत्र की बात हो रही है तो मैं एक बात बता दूं आपको, अगर लोकतंत्र की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात ही ना करे। गोवा में पिछली बार इनके विधायक कम थे, इन्होंने उसके बाद जो है वहाँ लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो है सरकार बनाई। आप देख लिए अभी इन्होंने जो है कर्नाटका में क्या किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईडी का सीबीआई का जितना दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करती है वो पूरा देश देख रहा है। और सच की बात करेंगे, अरे ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती लाशों ने और ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों की जो मृत्यु हुई उसकी जब लाशें जल रही थी जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो ये लकड़ी नहीं दे पाए। और इतने बेशरम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। आज इनसे पूछिए कि इनके अंदर हिम्मत है कि ये कि किसी मीटिंग में इन्होंने पब्लिक के सामने ये बात कही कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। अरे जहां के मुख्यमंत्री हैं वहाँ बताइए बच्चे जो है ऑक्सीजन की कमी से मर गए। अच्छा चलिए ठीक है, आप सर ये तो जनता तय कर ही चुकी है, बस एक दिन का और इंतजार, एक रात का और इंतजार। थोड़ा सा शिल्पा एक सवाल है मेरा छोटा सा रिजवी साहब से, क्या राजस्थान में छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से लोग मरे क्या नहीं मरे, कोई आंकड़ा है? बिल्कुल मरे, हमने उसकी कमी, हम सुन लीजिए मेरी बात, अगर मरे तो हमने सुनिए, हमने क्या राजस्थान ने बता दिए जहाँ एक भी, सुन लीजिए मेरी बात, राजस्थान से लेके कहीं पर भी अगर कमी हुई और हम डिनाई करके भाग रहे हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए महोदय अपनी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए महोदय, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, आप ही की बात सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ बोलिए, सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक पत्रकार ने ईमानदारी से ये दिखाया कि चावल से नमक खा रहे हैं लोग तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पत्रकार को जेल भेज दिया गया। आप बताइए राजस्थान में कोई, हाँ तो क्या हो गया उसमें कांग्रेस, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, हमने वादा नहीं किया था, अरे सर सुन लीजिए, मीडिया को न्यायालय में भरोसा नहीं किया था, मीडिया देखो सुनो, सरकार दमन के लिए होती है इसमें कोई दो राय नहीं है, मीडिया को न्यायालय पे भरोसा था, जमानत मिली और जांच हुई उसमें मीडिया जगत को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो किसी की भी सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार, सुन लीजिए ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल हुए, मैं भी सुन लीजिए, अरे मैं कह रहा हूं बताइए मेरी सरकार में कहीं ऐसा हुआ हो? नहीं यार बहुत हुए हैं, आप छोड़िए इसको, फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, मैंने तो छोटा सा एक सवाल ये पूछा था, हुआ तो उसका कंटेम्प करें, अरे सुन लीजिए, राजस्थान में, अरे राजस्थान में, अरे सुन लीजिए, और सुनिए, अरे हम कह रहे हैं अब एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, फिर कहीं और ले जाएंगे आप, लेकिन आप बताइए कि उसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने महिला की साड़ी फाड़ी, क्या वो सही था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार भी उसकी निंदा नहीं करी, बिल्कुल गलत था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं ये निंदा कर, अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी की तमाम खामियां आप मुझे इतना बताइए, ठीक है आपको आपको इन एग्जिट पोल्स पर विश्वास नहीं है तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? आज भी निंदा नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है सुनिए सर सर सर, क्योंकि फिर आज आप मुझे आंकड़े बता दीजिए, फिर कांग्रेस कितने आंकड़े लेकर आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर? माफी मांगे आसिफ जी, मुझे भी बोलने का मौका, बिल्कुल आलोक जी एक सेकंड आ रही हूँ, आसिफ जी इससे पहले मैं आलोक जी के पास जाऊँ, वो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को और बढ़ाए आगे, आप बस मुझे इतना बताइए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी की इस जीत और मेहनत के बाद क्या स्थिति होते हुए दिखाई दे रही है, कितनी सीटें कल मिलने वाली है, क्योंकि कल नतीजों के साथ में फिर करूंगी आपसे बात। कांग्रेस पार्टी की एकक बूथ के ऊपर एकक कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करा और हमने जनता के बीच गए, हमने अपनी बातें रखी जनता के बीच में, क्योंकि हमारा संगठन कमजोर था, हमने अपने संगठन को रिवाइव किया है और हमें यकीन है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेमानी पे अटल हैं और गलत बात को आज भी सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं लखीमपुर खीर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एक महिला की साड़ी फाड़ी थी, आज तक माफी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हाथरस के लिए माफी मांगी कि हाथरस में जिस तरह से एक बच्ची की लाश को एविडेंस हटाने के लिए जला दिया वो गलत था, ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए, यह गलत को गलत कहने के बाद
गलत करने के बाद आज भी उस पर कायम है। साड़ी फाड़ने पर माफी मांगे। रिजवी साहब जवाब लेते हैं। आलोक जी, ये कांग्रेस वाले लोग, ये राजशाही होने वाले लोग, ये क्या बोलेंगे? ये उत्तर प्रदेश नहीं में चुनाव में कहीं खड़े भी नजर आते हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इनके तीन साड़ी फाड़ने पे माफी मांगिएगा नहीं मांगिएगा ये बताइए। आप चुप रहिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप चुप रहिए। इनकी तीन तीन पोस्टर गर्ल, तीनों इनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। और एक लड़की ने जो दलित वर्ग की थी, उसने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए सतीश ने टिकट देने के लिए पैसे मांगे। और दूसरी बात, ये पांच के आंकड़े में, चलो हम आपकी सारी बात मान लेते हैं, आप जो कह रहे हो सब सही है, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की साड़ी फाड़ेंगे और आप उसके लिए माफी भी नहीं मांगोगे? पवेलियन में हट, चलो हम आपके सारे आरोप स्वीकार भी कर लें। ये क्रिकेट के मैदान में आगे की बात करूँ ना, आरोप लगाने का काम नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल रहे हो, हम आपके झूठ को सही मानने ले रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी में ये गलती हो जाएगी तो क्या आपके गुंडे महिलाओं की साड़ी फाड़ेंगे? तो आपको महिलाओं की साड़ी फाड़ने की परमिशन देते जनता? चलिए ठीक है सर, आप इन्हीं महिलाओं के दम पर जिस तरह से चुनावी अखाड़े में उतरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्हीं महिलाओं ने आप पर कितना विश्वास किया सर, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है आलोक जी, एक एक करके आलोक जी की तो बात कर ही नहीं सकते हो। चलिए ठीक है आलोक जी, प्लीज सर, शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखिए। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सर, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, प्लीज देखिए जरा, इस पर ध्यान दीजिए सर। कौशिक साहब, एक रात की बात और है, जाहिर सी बात है, कयामत की राती से बोल लीजिए, अंतिम राती से बोल लीजिए, बस ईवीएम खुलने का अब और इंतजार। और अगले 5 साल कौन बैठेगा यूपी के सिंहासन पर, यूपी की सत्ता पर, इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन ये रात बीते कैसे? देखो शिल्पा, एग्जिट पोल कभी भी सही ज्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन मैं इस एग्जिट पोल पर इसलिए थोड़ा सा भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि 2017 के जो नतीजे थे उन नतीजों में बहुत बड़ा अंतर था। जहां भाजपा को 3,44,00,000 वोट मिला, वहीं समाजवादी पार्टी को 1,89,00,000 वोट मिला। आप इसको देखिए थोड़ा सा। और जहां बहुजन समाज पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिला, करीब 1,92,00,000 वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को। तो ये सारी स्थिति है कि जो बीच का दायरा रहा, आप उसको समझिए कि 1,89,00,000 और कहां 3,44,00,000। और दूसरा, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हर चरण में लगभग समाजवादी पार्टी 15+ सीट कवर कर रही है, मतलब पहले की अपेक्षा ज्यादा पा रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा एग्जिट पोल ठीक है। दूसरी बात जो कहेंगे कि जो मुद्दे थे, जैसे एग्जिट पोल की समीक्षा कर रहा हूं मैं, चुनाव की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एग्जिट पोल ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग नाराज होने की जो बात कही गई थी, वो इस एग्जिट पोल में स्पष्ट है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज नहीं हुआ, खुल के समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट किया, ये बात मानना पड़ेगा। दूसरा, पश्चिम में जिस तरीके से बात हो रही थी, जाट और मुस्लिम गठजोड़ की बात हो रही थी, वो ये एग्जिट पोल कहता है कि जाट और मुस्लिम गठजोड़ नहीं हो पाया, बीजेपी को ज्यादा सीटें पहले की अपेक्षा मिली। ज्यादा का मतलब ये कि इतना कुछ माहौल हो जाने के बावजूद भी इतनी सीटें आप पा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सत्ता के बाद जो माहौल बना तो उसमें इतनी सीटें पा लेते हैं, तो वो गठबंधन जो है वो एग्जिट पोल नकार देता है। दूसरा क्या है कि मंडल कमंडल की जो राजनीति के बाद तो पहला चुनाव ऐसा लगा था कि फिर लौट रहा है, जैसे 2007 में देखा, 2017 में देखा, 2012 में देखा, एक अलग अलग था, लेकिन 2022 में आते आते फिर देखा कि भारतीय जनता पार्टी को एक क्रिएट किया गया कि नहीं, दलित चला गया और ओबीसी चला गया, अब कुछ नहीं है, हिंदुत्व के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, केवल जो हिंदुत्व की बात बेकार हो गई, और जो हिंदू मुस्लिम जो होना चाहिए था मेरे हिसाब से नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, जितना पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में हुआ, यदि उसकी तुलना कर ले तो बहुत कम हुआ। एग्जिट पोल कहते हैं कि वो नहीं हुआ, जो मंडल कमंडल की राजनीति को फिर धक्का दे दिया, ओबीसी और दलित और सवर्ण वोट बीजेपी को मिला। तीसरी बात कहूंगा मैं कि जो ममता बनर्जी, शरद पवार, शिवसेना ने जो अपील की बीजेपी के खिलाफ, उस अपील को खारिज कर दिया, ये एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं। तीसरी बात कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे आपने भी दिखाया, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी, कृष्णा पटेल, ओपी राजभर, दारा सिंह, इनके आरोप जो थे बीजेपी पे, इन्होंने ओबीसी के लिए काम नहीं किया,
ये एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं, उस बात को भी ओबीसी वर्ग ने खारिज कर दिया, उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, जिस तरीके से वो खुद स्वयं सीटें हारते हुए दिखाई इस एग्जिट पोल में दे रहे हैं। तीसरी बात, यादव लैंड की बात करेंगे, जहां मुझे लगता है कि लगभग बहुत सारी सीटें आनी चाहिए थी, जितनी सीटें नहीं आने, जितनी सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़त हो रही है, 8 से 24 हो रही हैं, मुझे लगता है कि उससे पहले 37 सीटें थी जो 2012 में था, तो उतनी 20 सीट भी आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो वहां के आसपास के वोटर की नजर में जो उनकी दबंग गई थी, जो गुंडागर्दी थी, और जो बहुजन समाज पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के सरकार के रहते हुए जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न उस क्षेत्र में हुआ, वो लगता लोग भूल नहीं पाए, क्योंकि न 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को, पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, और वहां लगभग 12 सीटें, तीसरे चरण की बात करें तो वो आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीट का मतलब आप समझिए कि वहां दलित वोटों का बोलवाला है, ठीक है, यदि वहां बहुजन समाज पार्टी शून्य दिखाई जा रही है और सपा 3×8=24 हो रही है, लेकिन बहुजन भारतीय जनता पार्टी को बहुत नहीं मिल रहा है, तो फिर ये कह सकता है ये एग्जिट पोल का नतीजा कि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं फिर बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन सर ताजा बीजेपी का जख्म बंगाल चुनाव भी फिर याद आ जाता है, उसके एग्जिट पोल के नतीजे भी फिर याद आ जाते हैं। नहीं देखो, वो मैं कह रहा हूँ कल क्या नतीजा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ जो एग्जिट पोल अब तक है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, कल क्या नतीजा होगा वो फिर कल समीक्षा की जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे कह रहे हैं वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो मुद्दे थे वो जनता ने नहीं माने। दूसरी बात आप कहें, आप कहिए कि समाजवादी पार्टी ने तमाम फ्री की बातें कही, वो फ्री की बातें स्वीकार जनता ने नहीं की, ये एग्जिट पोल का नतीजा कह रहा है, ये एग्जिट पोल का नतीजा कह रहा है कि जो जनता को मिल रहा था उसी में वो संतुष्ट दिखी, उसी पे भरोसा जताया, ये एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं। पुष्पेंद्र यादव जी, यानी कि आपके फ्री के वादों पर जनता अपनी मोहर लगाती हुई फिलहाल तो इन तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों पर जाएं तो दिखाई नहीं दे रही है, अब कल क्या हो क्या नहीं वो तो कल ही पता लगेगा जब ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू होंगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल पिछले दो दिन चल रहा है, लेकिन जनता का पोल और जनता का जो जनादेश है वो कल पता चलेगा। बात कर लें ईवीएम की और चुनाव चरण के स्टेप बाय स्टेप से। मैडम पहले तो एक बात आप जानिए, जो बनारस में जो एसडीएम और जिन्हें वो कमिश्नर ने जो उसमें वो कहा है और उन्होंने स्वीकार किया है चैनल पर आकर के वो चूक रही, तो वो एक बड़ा संकेत है कि चूक रही और उनको स्वीकार भी किया गया। अभी आपने देखा होगा एसडीएम और डीएम को हटा भी दिया गया है, आपके पास जानकारी भी आ गई होगी। तो मैडम वो सब एक ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही थी, उस गड़बड़ी जो चल रही थी उस गड़बड़ी के ऊपर ही सारा बवाल क्रिएट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे ये गलती हुई, और हमसे ये गलती हुई तो उसे बताएं आगे कि हाँ हमसे गलती हुई। जिस तरह अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री जी ने गलत किया कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, तो आप भी उसके उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना, कि आप अगर आप ठीक हो तो, आप ठीक नहीं हो तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके चैनल्स में भी ये चल गया है, कमिश्नर ने एक्सेप्ट कर लिया है और जगह जगह से जो फोटोज आ रही है वो आएंगी, अगर आप गलत करोगे तो आएंगी। दूसरी बात रही बात ये कल का जब दिन कल निकलेगा उसके साथ साथ जनता का जनादेश आपको लगभग 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, और एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि पहली बार बदले जाएंगे, पहले भी एग्जिट पोल बदले गए, ममता जी के चुनाव में भी एग्जिट पोल बदले गए, 17 में भी जितना दिखा रहे थे बीजेपी को उससे ज्यादा बीजेपी को मिला, तो कई चीजें हैं, अप डाउन चलता है, इसमें कोई बड़ी या छोटी बात नहीं है। तो हम फिर आपसे ये बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल पक्का हैं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ने आपको मत दिया है लेकिन बीजेपी यहाँ पर साजिश रच रही है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करना चाहती है अपने हक में। एग्जिट पोल का बड़ा फर्क जो पड़ता है वो एक मेंटलिटी पे ही पड़ता है। जब एग्जिट पोल पहले निकल जाते हैं तो अधिकारी के प्रति प्रेशर बन जाता है और हर हर कार्यकर्ता का मनोबल डाउन करने के लिए ये चीजें कभी कभी बीजेपी जानबूझकर गड़बड़ियां फैला रही है, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंच चुका है, पहरा दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा है, देखना चाह रहा है कि मतगणना अंदर कैसे हो रही है कैसे नहीं, ताकि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी बीजेपी ना करने पाए। आलोक वत्स। देखिए शिल्पा जी, खंबा होते
हिंदुओं के अंदर बार बार आसरास लखीमपुर खीरी और अब ईवीएम, अरे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है, इससे बीजेपी का कहां से रोल आ गया? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। और दूसरी चीज जी, हम योगी जी और मोदी जी के द्वारा किए गए 44 जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर जनता को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किए हैं। तो माननीय डॉक्टर कौशिक ने इस बात को कहा है, लोगों के लुभावने सपने को जनता ने नहीं पुकारा, हमारे द्वारा दिए गए और किए गए कार्यों को सराहा और उसी पर विश्वास करके हमको दोबारा से सत्ता में लाने के लिए जबरदस्त वोटिंग किया है। पहली चरण में जो लोग कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम और जाट एक हो गया, ये साफ हो गए, ये गलत साबित हुआ। ये कौशिक नहीं कह रहा है, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं, ये कौशिक नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं। वहां 36 से 40 सीट हम लेने जा रहे हैं, और जो इन्होंने कहा कि इनके साथ ओबीसी नहीं है, इनके साथ दलित भाग गए, ब्राह्मण भाग गए, इनके पास अच्छा है ही नहीं राम के अलावा। चलिए ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड में क्या होगा सर? बदलत हुआ है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भरोसा पर हुआ है और हमने धरातल पर उतार के काम किया है। हम हवाई हवाई किला नहीं बनाते, अखिलेश यादव के जमाने में बिजली नहीं थी और ये 300 यूनिट बिजली देने का। चलिए ठीक है सर, वही वही वाली बात है ना कि आज तो सब अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे ही, लेकिन कल असल नतीजे के साथ मैं सबसे एक एक करके बात करूंगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आसिफ रिजवी साहब लगातार जुड़े हुए। रिजवी साहब, चलिए उत्तर प्रदेश में तो आपको कुछ खास हासिल होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन उत्तराखंड में आपको कितना विश्वास कि वहां पर इस बार क्या वही ट्रेंड कायम रहेगा कि हर 5 साल के बाद जिस तरह से जनता सरकार को बदल देती है? कांग्रेस पूरे 5 राज्यों में मुद्दों पर ईमानदारी से चुनाव लड़ी है, हमने जनता का दिल जीता है, जनता के पास गए हैं, परिणाम जो भी आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, चाहे वो उत्तरांचल में हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव जीवी नहीं है। हमारा मकसद है कि जब जो मुद्दे हैं जिसपे समाज का ध्यान जाना चाहिए, जिन मुद्दों के बारे में समाज को सोचना चाहिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। हम समाज को जानबूझ के जाति धर्म में लड़ाकर और पीछे से अपने काम निकालने का काम नहीं करते हैं। हमने समाज को, आज बेरोजगारी मुद्दा है, आज जो है महिला सुरक्षा का मुद्दा है, आप बताइए जब उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है तो वहां मुद्दा क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए? आज बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश कितना आगे है तो चर्चा किस पे होनी चाहिए? आप बताइए लखीमपुर खीरी में महिलाओं की साड़ी फाड़ रहे हैं, आप देखिए कि बनारस में महिलाओं की छेड़छाड़ को लेकर जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कन्याओं ने आवाज उठाई तो रात में गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुस के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन के लोगों ने उन महिलाओं पर लाठीचार्ज करी। आप देखिए इलाहाबाद के अंदर जब छात्रों ने अब ये मुद्दा उठाया कि साहब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी एज निकले जा रही है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो शासन ने क्या किया? घुस घुस के हॉस्टल के अंदर उन विद्यार्थियों को मारा जो नौकरी मांग रहे थे। आप देखिए जब लखनऊ में विद्यार्थी इकट्ठा हुए और उन्होंने नौकरी पे बात करने के लिए कहा तो क्या किया गया? मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर दौड़ा दौड़ा के उनको मारा गया। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, कांग्रेस की बने, समाजवादी की बने, बात ये होनी चाहिए कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो सॉल्व होने चाहिए। कल हमारी सरकार बन जाए, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, समाजवादी की सरकार बन जाए, पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करके उन समाज की सेवा करने का वो समय तो अब बीत गया, अब जो होना था सर वो तो हो चुका है, अब बस एक रात की बात और है। स्पष्ट कल हो ही जाएगा कि बीजेपी के जितने आप तमाम ये मुद्दे गिनवा रहे हैं कि बीजेपी इन मुद्दों से हमेशा भागती रही, भागने के बावजूद भी जनता क्या मैंडेट देती है, कल सर तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखो ये जो बिजली साहब कह रहे थे, जो मुद्दों की बात कर रहे थे, सुन लीजिए, हमारे लोग केवल पत्रकारों की गलती है, मीडिया ने 2000 के नोट पे चिप होने की जगह जो
सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, चिप पे 2000 में 2000 के नोट में चिप होने की दिखा दिखा के जो है मिसगाइड किया जनता को। नहीं बिल्कुल ठीक, देखो रिजवी साहब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो ढांचा सारे राजनीतिक दलों ने जो तैयार किया है जनता और इस देश का संविधान उसको मानता है। आप ये उत्तराखंड की 2000 बार की बात लेकिन आप बताइए 2000 के नोट में चिप नहीं लगा था, मैं समझा रहा हूं। इतनी घटिया न्यूज चला के पूरे देश को गुमराह करने वाले चैनल कोई कोई गुमराह। अरे आप ये बताइए जब आप सुन लीजिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन लीजिए जब नेता गुमराह के नोट में चिप है, अरे रिजवी साहब जब नेता गुमराह मेरी बात का जवाब दे दिया, हाँ जवाब, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, अरे मैं जवाब तो सुनो, अब जवाब नहीं सुनोगे दिखाई थी उस चैनल के, अरे जवाब सुन लीजिए। यदि मीडिया से ऊपर भी कोई संस्थान बना हुआ है ना, यदि मीडिया गुमराह करती है या मीडिया ने गलत चीजें चलाई तो उसकी शिकायत का एक प्लेटफॉर्म है। अब आप जगह कोई नेता देश को गुमराह करते हैं तो उसका तो आप ये जनता के भी चले जाते हैं। बैठे लोग पीछे से मदद कर रहे हैं, आप सुन लीजिए जब सरकार में बैठे लोग पीछे से मदद कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र मुझे लगता है अच्छे पत्रकार हैं बेचारे, न्यूज लिखते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लिख देती है। आप ये बताइए तो इसमें इस देश में लखीमपुर खीरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने फिर लंबी चर्चा हो जाएगी। इस देश ने ये भी देखा है अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी, इस देश ने ये भी देखा है कि संपादकों को रातों रात अरेस्ट कर लिया गया। छोड़िए ये समाजवादी पार्टी का भी देखा है, हल्ला बोल मीडिया पे हुआ था, तमाम दफ्तर जला दिए गए थे। सुनो ये सब टारगेट, अरे हम पीट लो मार लो फिर माफी मांग लो, ये क्या मतलब होता है? अरे ये नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ जब जो कोई घटना होती है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो 2000 के नोट में चिप चलाने वाली न्यूज दिखाई गई वो सही थी? मैं बिल्कुल, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने शिकायत की कांग्रेस, अरे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई भाई, मान ली, अरे भाई कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 7 साल पहले अरे घटना हुई, कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस उनका क्या रही? कांग्रेस ने आपको फ्रीडम दी, किसने? अगर आप इस चैनल पे बैठ के बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं तो वो लोकतंत्र देने का काम कांग्रेस ने किया है। वो तो देखा है, हमने इमरजेंसी का लोकतंत्र का कैसे गला काटा गया था, वो इमरजेंसी के समय में इमरजेंसी का तो लोकपाल आज के मुद्दे पर रहते हैं, 70 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब छोड़िए, आप भी जानते हैं, इमरजेंसी के समय में देखा है रिजवी साहब। अब मुद्दे पे आ रहे हैं, एक सेकंड आप इमरजेंसी पे राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी गलत थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। अच्छा ठीक है, इस बार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को नकार कर कांग्रेस का दामन थामने वाली है, लेकिन खीरी में जिस महिला की साड़ी फाड़ी हम कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी खीरी में किसानों को कुचल दिया गया, सरकार को कुचल दिया गया, राहुल कौन नहीं बोल रहे हैं सर? या तो आप देखते नहीं है या आप देखना नहीं चाहते, आप चैनल देखना ही नहीं चाहते, किसने तमाम डिबेट्स मैंने खुद किए हैं उस पर। चलिए ठीक है, आलोक बस उतने डरे और इतने दबे में, आलोक बस सरकार की आंखों में आंखें मिला के पूछ नहीं पा रहे हैं, आलोक बस गंभीर आरोप बीजेपी पर कि सरकार में बैठकर आप पूरे मीडिया को तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम करते हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को। ये गंभीर आरोप, जवाब आपका आलोक बस। बोलिए रिजवी साहब को इनको राहुल गांधी प्रमोशन दे देंगे राज्यसभा या एमएलसी में, अब ये थोड़ी देर शांत होकर दूसरे की बात सुने। इनका जो कहना है पूरी मीडिया बिकाऊ है, न्यायालय बिकाऊ है, जब सारा तंत्र ही देश का बिकाऊ है बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ मीडिया बिका हुआ है, मैंने कहा कुछ मीडिया जो 2000 के नोट में चिप दिखाने की बात करती है वो बिका हुआ है, न्यायालय को मैंने बेमान नहीं कहा, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, आप झूठे हैं। अरे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्यों नहीं फिर चले गए प्रशासन ने गलत साक्ष्य क्यों नहीं लिखित में लिखित में उसके खिलाफ आप लोगों ने केस चलवाया फिर बताइए ना, या सिर्फ टीवी पर बैठकर आरोप लगाने में ज्यादा मजा आता है? गृह राज्य मंत्री के दबाव में गलत तत्व जो है जो न्यायालय के सामने रख के झूठ बोल के अपराधी को बचाया। देखिए आपने अपने समय में बोला था सर, अब जो आरोप आप लगा रहे हैं जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब मीडिया तो नहीं देगी ना, मीडिया आपको जवाब दिलवा सकती है। अरे ये जवाब देगी, झूठ बोल रहे हैं ये कहे ना, अरे इनके मंत्री ने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरा बेटा वहाँ मौजूद होगा, इनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट भी लग गई और उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं, ये बताइए पंजाब में क्या हो गया पंजे को, आंदोलन जीवी पंजाब में पंजे को क्या हो गया,
वहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती हुई कैसे दिखाई दे रही है सर? कैसे आप लोगों की पकड़ कमजोर हो गई वहां पर? रिजवी साहब जरा पंजाब पर भी जवाब दे दीजिए सर। ये मैं तो हजार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र में अगर कांग्रेस कुछ गलत कर रही है तो हमारा विरोध होना चाहिए। हाँ? अगर हम कुछ गलत करेंगे हाँ? तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। हाँ? लेकिन यहाँ बैठे हुए कुछ आदरणीय पत्रकार बंधु हूँ और आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये खुलेआम अभी तक माफी नहीं मांग रहे हैं अपने मुख्यमंत्री की तरह। ये अभी तक नहीं कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एक महिला की साड़ी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने फाड़ी वो गलत थी, उसके लिए क्षमा नहीं मांग रहे हैं। सर आप वहीं पर अटके रही है और ये देखिए बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है सर, और अब तो बस सीधे जनता की मतलब एक महिला की साड़ी फाड़ने पर भारतीय जनता पार्टी आपका फेलियर है ना सर। सड़कों पर उतरकर आपको ये मुद्दे उसी हिसाब से उठाने चाहिए थे। गृह मंत्री ने खुलेआम कहा कि मेरा बेटा जनता तक की बात मुद्दे नहीं पहुंचा पाया आपने। विपक्ष आप रिजवी साहब ठीक है रिजवी साहब करके रिजवी साहब रुको, आपने आपने सारे सारे जो मुद्दे उठाए देखिए आप कितने ईमानदार सब एक साथ बोलेंगे किसी भी बैठ के सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर मैं कांग्रेस से पूछ रहा। अरे सुन आप लोकतंत्र पे कितना भरोसा करती सुन लीजिए ना, क्या हम विपक्ष में भी हो गया आप इस बात का जवाब दे रहे हैं और आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं। रिजवी साहब भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में रहने के बाद भी वकील आप सुनिए पत्रकारों की हत्या करने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने जो भी मुद्दे उठाए अरे बस आप सुन लीजिए आपकी बात सुन रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यही लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया है कि हम जब सत्ता में थे तो भी आप सवाल पूछते थे, हम विपक्ष में तो भी आप सवाल पूछते थे। यही कांग्रेस जनता से इतने डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? पत्रकार की लखीमपुर उत्तर प्रदेश में दशकों से सुना क्यों पड़ा हुआ है? जैसे पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दे रही है आसिफ रिजवी, आप उससे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना, लोकतंत्र है हम आपको अभी जवाब दे रहे हैं तो जवाब दीजिए फिर। अब रिजवी साहब सुन लीजिए आप कुछ जवाब दे रहे हैं, जवाब इस बात का दीजिए ना कि फिर क्यों दशकों से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, क्यों जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रही है? आप परेशान है आप, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ और स्वतंत्र पत्रकार। अरे भाई मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रहा हूँ भाई, सवाल हम पूछ रहे हैं भाई, कम से कम उसका भी सवाल। अपनी स्थिति का तो जवाब आप देंगे ना? मैं सवाल पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अरे आप सब कुछ पूछते जाएंगे, उल्टे आरोप लगाते जाएंगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप विपक्ष में बैठे हैं सारे अधिकार आपको दे दिए, नहीं आप विपक्ष में बैठे सारे अधिकार आपको दे दिए, नहीं आप विपक्ष में बैठे सारे अधिकार आपको दे दिए, कुछ भी आप गलत पूछ लेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि आप विपक्ष में है, इसका क्या मतलब होता है? अरे विपक्षी कोई भूमिका होती है ऐसा थोड़ा ही है, अरे ऐसा थोड़े कुछ भी बोलते रहेंगे, सब फालतू बोल रहे हैं आप, सब बिल्कुल सब फालतू बोल रहे हैं आप। अरे सुन लीजिए आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप बोलते जा रहे हैं आप बंद नहीं होंगे आप, अरे आप सुना ना उसको। आपके बड़े बड़े वकील जब आपकी सरकार नहीं बनती है तो रात को दो बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, क्या लखीमपुर खीरी पे आपका वकील खड़ा हुआ क्या? क्या महिला की साड़ी फाड़ी गई आपका वकील खड़ा हुआ क्या? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी आपसे जल्दी पर कमेंट चाहूंगी प्लीज। आलोक जी, आलोक जी जाते जाते राजनीति करना अलग है उस पर बात। अरे सुनिए, अरे अरे ये राजनीतिक बातें मत कीजिए, राजनीतिक बातें मत कीजिए। जितना बीजेपी दोषी है उतने आप भी दोषी है, जितना बीजेपी दोषी है उतना आप भी दोषी है। अरे हम फर्जी न्यूज चले आप जाइए ना, जाइए चैनल के खिलाफ एफआईआर करवाइए, सुप्रीम कोर्ट तक मामले ले जाइए। कौन रोके आपको? हमने किससे रोका है आपको? अरे जाइए ना सर, यहाँ बैठ कर कुछ कह देने से क्या फर्क पड़ता है? आपका काम है, आप ये काम करेंगे। ठीक है सर, स्वतंत्र पत्रकार ठीक है। आसिफ रिजवी, फाइनल कमेंट आपका, इनको रोकिए। आलोक जी, फाइनल कमेंट आपका सर। जाते जाते एक रात की बात, और कल क्या होगा आप कितने आश्वस्त? फाइनल कमेंट, एक रात की बात हम चैन से सोएंगे, ये बेचैन होके सोएंगे। हम सरकार में आएंगे, ये कहीं नहीं आएंगे। और इनको बोलिए, ये जितने उद्वेदित होकर बोल रहे थे टेलीविजन पर, मैं आप सरकार में आ जाओ, इनको आप सरकार में आ जाओ, देखिए 47 से गोली चला दो, ये कल देखेंगे। गलत करोगे हम उसका विरोध करेंगे, आप फिर किसानों को कुलचोगे हम फिर विरोध करेंगे, आप फिर महिला की साड़ी फाड़ोगे हम फिर विरोध करेंगे। ठीक है, साड़ी फाड़ना तुम्हारा राइट हो सकता है, तुम्हारा राइट बनना नहीं। ठीक है, पुष्पेंद्र यादव फाइनल कमेंट आपका। समाजवादी पार्टी आज रात सोएगी कि नहीं, या पूरी रात पहरा अभी से शुरू हो जाएगा? वैसे तो हो ही चुका है।
मैं कह रहा हूं ना, पुष्पेंद्र यादव मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संपर्क कट गया है पुष्पेंद्र यादव से। आसिफ रिजवी फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते कल किस तरह की कांग्रेस की तस्वीर हमें पांचों राज्यों में देखने को मिलेगी? सर मुद्दे पर रहिए, जनता हमें आशीर्वाद दे चुकी है, जनता हमें अपने दिल को बैठा चुकी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, सरकार में आएंगे तो इनको जेल भेज के विरोध करेंगे। किसी भी महिला के तरफ बुरी निगाह से अगर किसी ने निगाह डाली तो हम उसको जेल भेजेंगे। विपक्ष में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लखीमपुर की जैसी घटना को दोबारा किया हाँ। तो फिर विरोध करेंगे। ये हमें लाठी मारे, गोली मारे, जेल में डाले, हम डरने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, कौशिक साहब जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, प्रदर्शन करेंगे करेंगे। ये तो 1000 रुपए के नोट पे चिप होने अधिकार है सर आपका, विपक्ष में आप प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, कौन रोके आपको? ठीक है ठीक है कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका। ये फर्जी मुकदमे लगाते रहे, धमका रहे, जब तक चैनल में बैठ के धमका रहे। जब तक विपक्ष सार्थक मुद्दे नहीं उठाएगा हाँ। और जनता से कनेक्ट होकर मुद्दे नहीं उठा पाएगा हाँ। तब तक मुझे लगता है कि विपक्ष विपक्ष नहीं है। यदि 50 साल शासन कांग्रेस ने किया तो इस वजह से किया कि विपक्ष उनकी बातों को, जनता की बातों को ठीक से नहीं उठा पाया। ठीक है, और आज 7 साल से 8 साल से बीजेपी ये सत्ता में है तो इसका मेन कारण सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि विपक्ष ठीक से मुद्दे नहीं जनता को कनेक्ट कर पा रहे हैं। यदि वास्तव में विपक्ष मुद्दे उठाना चाहता है, जो चीजें कही जाती हैं, चाहे लखीमपुर खीरी रही हो, चाहे महिला के कपड़े फाड़ने की बात रही हो, चाहे कानपुर का आपने देखा होगा जो लड़की जो बहू है वो जेल में है इस समय हाँ। ब्राह्मण, इनकी जब सरकार नहीं बनती है तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और पूरे वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। और जब आपको पॉलिटिक्स करनी होती है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे होते हैं। आपको सबको पता है, सबको पता है कि आप किसी व्यक्ति को न्याय कैसे दिलवा सकते हैं। उस न्याय के साथ आप खड़े होंगे और केवल आप बोलेंगे सिर्फ यही बात, साफ सिर्फ आप यही कहेंगे कि नहीं नहीं साहब ये गलत हुआ है। गलत नहीं है, गलत तो सब जगह हुआ है। चलिए अब दावे, आप न्यायालय तक पहुंच के उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब किसके दावों में कितना दम है ये कल पता लग जाएगा। कल फिर आप सभी से एक बार फिर से होगी चर्चा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।